हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ आप सभी का इम्पॉसिबल क्रिएटिविटी चैनल पे। सो गाइस, यहाँ पे आज हम करने वाले हैं अपना जो है, हमारे पास ये हॉर्न की आवाज़ थोड़ा आपको क्लियर आ गई होगी एक्चुअली। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास है 5400 mAh का लिपो बैटरी। इसके अंदर, इसके ऊपर मैंने थोड़ा अंदर थर्माकोल वगैरह लगा के टैपिंग कर रखी है। उसका रीज़न ये है गाइस कि कभी कभी मेरी बैटरी क्रैश होता है, ड्रोन तो गिर जाती है, उससे बैटरी को डैमेज होता है, इसलिए मेरी बैटरी थोड़ा स्वेल भी हो गई है एक तरफ से। सो गाइस, हमारे पास यहाँ पे है हमारा क्वाडकॉप्टर, हेक्साकॉप्टर के फ्रेम में इनबिल्ड है। तो इस क्वाडकॉप्टर में है जो है गाइस, हम अपना टेस्टिंग करने वाले हैं कि आखिर हमारा 5400 mAh का लिपो बैटरी कितना फ्लाइट टाइम देने वाला है गाइस। तो इसे हम टेस्ट करने वाले हैं। तो हमारा ये ड्रोन, इसे देखते हैं कितना फ्लाइट टाइम मिलता है। इसके बाद वीडियो आएगा 8000 mAh की लिपो बैटरी का, उसका फ्लाइट टाइम टेस्ट करने का। सबसे पहले हम बैटरी का वोल्टेज मेजर कर लेते हैं। ये बैटरी फुल्ली चार्ज है गाइस। मैंने इसे पूरी तरह से चार्ज किया और चार्ज करने के एक दिन बाद रखी भी रह गई, जिससे जो सेल्स अच्छी, मतलब ऐसी सेफ्टी के लिए बोला जाता है कि यदि आप बैटरी की अच्छी परफॉर्मेंस चाहते हैं तो चार्ज करने के बाद एक दिन तक उसे रखे रहने, खासकर लिपो बैटरी में। सो गाइस, यहाँ पे हमें मिल रहा है, आपको कोशिश करूँ तो दिखाने का, 12.60 volt मिल रहा है, 12.60, 61, 62 ऐसे ही चलता रहता है इनका। तो लगभग किसी के आसपास हमारी बैटरी जो है फुल्ली चार्ज होती है। तो बस इसका हम आज टेस्ट करने वाले हैं कि आखिर ये हमारी बैटरी कितना बैकअप देती है, फ्लाइट टाइम कितना देती है ये हमारे इस क्वाडकॉप्टर के लिए। तो बस वीडियो शुरू करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आज अगर आप 5400 mAh की बैटरी लेना चाहते हैं या फिर 8000 mAh की बैटरी लेना चाहते हैं तो आपको पता ही चल जाएगा कितना फ्लाइट टाइम मिलता है। कंपनी तो कुछ भी लिख देती है, हालांकि उतना फ्लाइट टाइम आता नहीं। अब रियलिटी टेस्ट तो हम ही करने वाले हैं आखिर हमारे क्वाडकॉप्टर पे कितना फ्लाइट टाइम मिलता है। चलिए धमाकेदार वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, काफ़ी देर तक हमारा ये ड्रोन जो है चलने के बाद एक्चुअली
यहाँ पे मेरी बैटरी जो है लो होना शुरू हो गई, तो अब जब वो उतनी पावर सप्लाई ही नहीं कर पा रही, तो मेरा ड्रोन जो है किसी मोटर को कम पावर सप्लाई मिलने लगी, किसी को थोड़ा ज़्यादा मिलने लगी, तो इससे होने क्या लगा, धीरे धीरे ड्रोन जो है क्रैश होने की स्थिति में आने लगा था गाइस। तो हमारी ये बैटरी काफ़ी ज़्यादा हीटेड है, तो सबसे पहले तो मैं इससे निकाल लूँ। एंड इसका जो फ्लाइट टाइम है गाइज, आपने देखा ही होगा कि लगभग कितना आ पाया है फ्लाइट टाइम हमारा। और ये हमारी मोटर जो भी है, मतलब जो भी हमारी मोटर है ना गाइज, काफ़ी ज़्यादा हीटेड थी सारी की सारी मोटर। तो यहाँ पे गाइज हमें जो फ्लाइट टाइम मिला है उसे मैं एक बार चेक कर लूँ स्टॉपवॉच में अपना, कितना फ्लाइट टाइम आया है, देन आपको बता दूँ कि हमें कितना फ्लाइट टाइम मिल पाया है। नई बैटरी होती थोड़ा ज़्यादा फ्लाइट टाइम मिलता, मेरी ये बैटरी थोड़ा ओल्ड है, मतलब लगभग साल भर हो गए हैं यूज़ करते हुए, हालांकि मैंने साल भर यूज़ नहीं किया, पिछले 2 महीने से ज़्यादा यूज कर रहा हूँ। सो गाइज हमें यहाँ पे इस ओल्ड बैटरी में 11 मिनट 27 सेकेंड का जो है फ्लाइट टाइम मिला है। गाइज अगर ये नई बैटरी होती तो इसका जो फ्लाइट टाइम है अबाउट 14 मिनट्स तक खिंच जाता। सो गाइज आप देख सकते हैं कि अबाउट अगर आप नई नई लीवो बैटरी लेंगे तो आपको 14 मिनट का जो है एक कह सकते हैं कि हमें मिलेगा फ्लाइट टाइम। और आपने तो रियल प्रूफ देख लिया कि 11 मिनट 27 सेकेंड और 89 मिली सेकेंड का हमें इस पे फ्लाइट टाइम मिला है गाइज। और इसकी मोटर्स भी काफ़ी ज़्यादा हीट हो रखी है, पावर मॉड्यूल भी काफ़ी ज़्यादा गर्म है, और यहाँ पे जो मैंने टेपिंग की है ये भी काफ़ी ज़्यादा हीटेड है गाइज। तो आपने देखा होगा कि आखिर कितना फ्लाइट टाइम मिला, और आपको अब अंदाज़ा लग गया होगा कि आपको 5400 मिली एम्पेयर की लिपो बैटरी 11.1 वोल्ट परचेस करनी चाहिए कि नहीं। वैसे लिपो बैटरी 16,000 mAh तक की आती हैं, पर जो 11.1 वोल्ट की हाइजेस्ट रेटिंग अभी तक मैंने देखी है वो है 10,000 मिली एम्पेयर की। गाइज मेरे पास 8,000 मिली एम्पेयर की है, तो नेक्स्ट वीडियो बस उसी का होने वाला है कि देखते हैं भाई अगर इसमें इतना फ्लाइट टाइम मिल गया है तो उसमें एटलीस्ट 18 मिनट तक का तो फ्लाइट टाइम मिलना ही चाहिए एग्जैक्ट, क्योंकि वो बैटरी भी न्यू है, और 18 से 20 मिनट तक का फ्लाइट टाइम तो उसमें मिल ही जाएगा। तो अभी से क्या भविष्यवाणी करना, डायरेक्टली वहाँ पे भी रियलिटी देख लेंगे। अभी तक हमने 5400 mAh की मिली एम्पेयर की लिपो बैटरी की रियलिटी देख ली। तो गाइस उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।